आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरबी ग्रुप ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है साइंस का वो हमारा फोटोसिंथेसिस। इससे रिलेटेड आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता, जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। आरआरबी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं साइंस में, वे अगर आप टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे तो आपके लर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं टॉपिक वाइज लर्न नहीं कर रहे हैं तो आपके याद नहीं रहते। लेकिन जब हम टॉपिक के साथ किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो हमारे जल्दी याद होती है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो आरआरबी में क्वेश्चन आते हैं, कम से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन एटमोसफेयर में कितनी होती है गैस। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं साइंस के जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है आपका, इसमें जब सनलाइट, कोई भी सनलाइट है, सनलाइट जब प्लांट पर जो है पड़ती है, कोई भी सनलाइट है ये प्लांट पर पड़ी है, तो प्लांट पर पड़ने के बाद ये लीफ जो क्या करती है, लीफ यहाँ पे लीफ दिख रही है आपको, प्लांट पे जब लीफ पे ये सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर जो है ये लाइट को कैप्चर कर लेती है। जब सनलाइट को लीफ में कैप्चर करती है तो इसको कैप्चर कौन करता है, टॉपिक पे बात आती है। अगर सनलाइट को कैप्चर कौन करता है, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल, लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल किसको बोलते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल किसको बोलते हैं। एक लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट जो है इसके अंदर लीफ के अंदर पाया जाता है, इसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर जो सनलाइट है वो किसके द्वारा कैप्चर की जाती है, तो वो क्लोरोफिल के द्वारा की जाती है जो लीफ के अंदर होता है। इसी से ये क्वेश्चन और रिलेटेड बन जाता है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, वो कारण है कि क्लोरोफिल के कारण ही इसका कलर ग्रीन होता है। आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करती है सनलाइट वो किसके द्वारा होती है, तो होती है क्लोरोफिल के द्वारा। जो क्लोरोफिल किसको बोलते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है लीफ के अंदर, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अब जैसे ये कैप्चर कर लेगा, कैप्चर करने के बाद जो है यहाँ पे जो रूट है, प्लांट की जो रूट होती है, ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, यहाँ पे जो सॉइल से है वो मिनरल लेगी, मिनरल्स हिंदी बोले तो खनिज पदार्थ। अब हमारे कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ेगी तो रूट क्या करेगा, रूट क्या करेगी, सॉइल से जो है मिनरल्स लेगी और वाटर लेगी, मिनरल्स और वाटर लेगी। अब सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, सबसे मेन होता है हमारा पोटेशियम, जो मेन होता है फॉस्फोरस, मैन की बात करूं जो मैन इसमें मिनरल्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, वो होता है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। सबसे पहले फॉस्फोरस होता है, उसके बाद होता है पोटेशियम और सल्फर, ये हमारे 3 मिनरल्स होते हैं। अब जैसे हमें भोजन चाहिए था प्लांट को, उसी तरह का भोजन चाहिए था, भोजन चाहिएगा, अब क्या करेगा, रूट से जो है यहाँ पे मिनरल्स ले लिए, और रूट क्या करेगी, इसको जो है ऊपर तक ले जाने में सहायता करेगी, पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ले जाने में, स्टीम और रूट क्या करती है, लीफ तक ले जाने में, ठीक है। और ये सारा जो फूड इकट्ठा होता है, ये हमारा लीफ के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका आरआरबी में आता है कि क्वेश्चन जो है आपका, किस प्लांट के पार्ट्स में भोजन स्टोर्ड होता है, तो वो स्टोर्ड होता है लीफ के अंदर, जितना भी भोजन इसका स्टोर्ड होता है वो लीफ के अंदर होता है, ठीक है। अब इसने पूरा अपना वर्क कंप्लीट कर दिया, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी C6O2 और प्लस के 12H2O, ठीक है, ये बनेगी हमारी लाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी। अब इतना वर्क इसने काम स्टार्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, यहाँ से एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं,
ठीक है। अब आपका आरआरबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनवायरमेंट में जो है बहुत सारे चार पांच तरह की गैस होती है, तो बहुत सारी गैस, लेकिन जो मेन गैस होती है वे हमारी तीन होती है, चार होती है मेन। इसमें सबसे पहले अगर मैं मान बात करूँ ये हमारा एटमोसफेयर है या एनवायरमेंट है एटमोसफेयर, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो 78% होती है हमारी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये होती है हमारी 78% इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये जो अपना भोजन बनाएगा ये इन्वायरमेंट से, एक तो CO2 लेगा, ठीक है, CO2 जो गैस लेगा प्लांट ऑब्जर्व करेगा, जब प्लांट अपना भोजन बनाएगा तो ये इन्वायरमेंट से जो है CO2 गैस लेगा, और CO2 की प्रेजेंट होती है 0.03 इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और हमारी जो ऑक्सीजन होती है हमारी 20 से 21% ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस होती है हमारी 1%, ये हमारी चार मेन गैस हो चुकी है। अब क्वेश्चन उठता है कि 78% क्यों होती है और 0. अगर हमारे CO2 की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये 0.03 होती है, ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन बनाता है, जितनी ये हमारे लिए रिलीज करेगा O2, प्लांट क्या करते हैं हमारे लिए रिलीज कर देते हैं O2, ठीक है, और रिलीज करने पर ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट से जो है CO2 को ले लेते हैं, जितनी हमें ये O2 रिलीज कर रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैस होती है और कितनी परसेंटेज होती है, ये भी आपका मेन क्वेश्चन बनता है। अब हमें इन्वायरमेंट से जो हमने CO2 ले ली, और यहाँ पे जल हमने कहाँ से लिया, सॉइल से लिया 12H2O। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना भोजन बना लेगा ये C6H12O6 ग्लूकोज, और हमारे लिए रिलीज क्या कर देगा O2 रिलीज कर देगा प्लस 2H2O, ये हमारी रिएक्शन हो गई, इसमें हमारा भोजन बन गया पूरा। तो ये जो स्टोरेज होगा ग्लूकोज होगा, जो हमारा लीफ के अंदर जो स्टोर हो जाएगा भोजन वो ग्लूकोज के रूप में स्टोरेज होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था फोटोसिंथेसिस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसमें से आपको 5% मार्क्स के मिल जाएंगे, ठीक है, ओके।